नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंटेसी गली का यूट्यूब चैनल। मैं हूं बाबाशीष। आज बात करेंगे क्वालिफायर टू, दिल्ली खेलेगी कोलकाता के साथ। इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस मिल जाएगी आपको इस वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड तक मैं इस मैच के बारे में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले कि शारजा की कंडीशंस कैसी होंगी। हमें पता है कि विकेट लो रह रही है, बट क्या ये विकेट एक्चुअली स्लो है, ये सारा सब कुछ बात करेंगे। बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए गेटिंग इनटू दिस गेम, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस कौन हो सकते हैं, किसको आप एज अ डिफरेंशियल पिक खिला सकते हैं ग्रैंड लीग में। ये सारे सवालों का जवाब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड तक। फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, टेलीग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें। छोटी सी फैमिली है हमारी फैंटेसी गली के टेलीग्राम पे। जब भी टॉस हो जाता है और आपको अपडेटेड टीम्स एंड कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं वो हम वहां पे आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच के लिए अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। हेलो एंड वेलकम टू द फैंटेसी गली शो। बात हो रही है क्वालिफायर टू। जी हां, दिल्ली खेल रही है कोलकाता के साथ। सबसे पहले शारजा की पिच, क्या पिच कंडीशंस हैं, आपको कैसे पिक्स चाहिए। देखिए, ऑन द सरफेस ऑफ इट शारजा लुक्स लाइक अ स्लो विकेट। स्लो नहीं है मैं ये कहूंगा आपको, लो जरूर है, बाउंस अनइवन है। मैं कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा पेसर्स अपनी टीम में रख सकते हैं, पेसर्स जो कि आपको थोड़ा सा वेरिएशन दे। आप उस तरीके की बॉलर्स को ले सकते हैं, स्पिनर्स को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसे स्पिनर्स पिक करने हैं जो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा था लास्ट गेम में सुनील नारायण को सक्सेस इसीलिए मिला था क्योंकि वो स्टंप नहीं छोड़ते हैं, वरुण चक्रवर्ती वैसे ही बॉलर्स हैं। तो आपको बैलेंस्ड एक बॉलिंग अटैक लेनी पड़ेगी, इक्वल अमाउंट ऑफ पेस एंड स्पिन, लेकिन टाइप ऑफ बॉलर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपकी पिच कंडीशंस हो गई। डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन दिस गेम डेफिनेटली मीडियम आप रख सकते हैं क्योंकि आपको नेचर ऑफ द पिच पता है, टेम्पलेट ऑफ दीज टू टीम्स पता है, तो मीडियम इन्वेस्टमेंट लेके जाइए। लेकिन मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट खेले, हेड टू हेड भी खेले, ग्रैंड लीग भी खेले, स्मॉल लीग्स भी खेले, ग्रैंड लीग खेल रहे तो वहां पे इन्वेस्टमेंट लो रखें, लेकिन ओवरऑल आप मीडियम इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं इन दिस मैच। लास्ट थिंग हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हम इन्फो आपको देते हैं ये हमारे वेबसाइट और मोबाइल ऐप जो हमने प्ले स्टोर पे रखा है, अगर आपने उसको डाउनलोड किया है तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल बस क्लिक पे अवेलेबल है। दूसरी बात कि आपने अगर हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया अब तक तो अभी प्लीज कर लीजिए, इट्स हार्डली, इट टेक्स लाइक 2 मिनट्स, लेकिन जैसे ही टॉस हो जाता है, टीम्स अपडेट हो जाते हैं, आपको डायरेक्टली फिर वहीं पे लिंक मिल जाएगा मैच टिप्स पेज का, वहां पे आप जाएंगे, फिर वहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, टीम बनाएंगे और फिर कंसिस्टेंटली आप जीत सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे लेट्स गेट इनटू कौन है इस मैच में आपके टॉप पिक्स। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर विकेटकीपर की बात करें तो आपके पास ऋषभ पंत का ऑप्शन जरूर है। ऋषभ पंत के लिए ये सीजन आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है, लेकिन ही इज बीन अमंगस्ट द रन्स, इसलिए मैं कहूंगा आप इनको डेफिनेटली रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस मैच में ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंशियल ऑप्शन में मैं कहूंगा कि आपके पास दिनेश कार्तिक का ऑप्शन जो है वो जरूर रहेगा। दिनेश कार्तिक के बारे में एक ही चीज कहा जा सकता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है कि रिस्की पिक हो, लेकिन यू नेवर नो, जिस तरह से अगर विकेटें गिरेंगी ऊपर से और इनको अगर रन्स करने हैं तो फिर आप उनके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसा मैंने कहा कि हाई रिस्क प्लेयर हैं, ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं तब दिनेश कार्तिक को कंसिडर करें, हेड टू हेड में टीम खेल रहे हैं तो फिर आपके पास ऋषभ पंत का ही ऑप्शन है डेफिनेटली। ये आपके कीपिंग ऑप्शंस हो गए। अगर मैं आपको बात करूं आपके बैटिंग ऑप्शंस तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन के साथ ही जाना है, जैसे आपके पास शिखर धवन हो गए। शिखर धवन की कंसिस्टेंसी आप सबको पता ही है, क्रंच गेम्स में ये और अच्छा खेलते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे अगर
अगर तो ये दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स का जो फर्स्ट स्पेल रहेगा अगर वो खेल लेंगे, क्योंकि देखिए लेफ्ट जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं उनके लिए राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। अगर राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती दोनों, तो मुश्किल पड़ेंगे शिखर धवन को। मैं कोई एक टीम में, शायद स्मॉल लीग टीम में मैं थोड़ा सा इस प्लान के साथ जाऊंगा, लेकिन अगर हेड टू हेड टीम बिठा रहा हूं तो फिर भी मैं कहूंगा आप शिखर धवन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बल्लेबाज तो ये अच्छा है ही। आपके पास इनके अलावा ऑप्शन है नीतीश राणा का, अगेन आई वुड से द सेम थिंग। दिल्ली के पास वैसे बॉलर्स हैं जो लेफ्ट हैंडर्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स वो आपको स्ट्रगल करवा सकते हैं, ललित यादव भी खेल सकते हैं, रवि अश्विन भी खेल सकते हैं, तो वो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए गेटिंग इनटू द हाई रिस्क टीम। वहां पे आप नीतीश राणा को ड्रॉप कर सकते हैं, एक काफी यू नो लूज स्ट्रोक खेला था उन्होंने चहल के अगेंस्ट, लेकिन आप अगर सोचेंगे फ्रॉम अ बैटिंग पर्सपेक्टिव शायद वो चाहेंगे ज्यादा टाइम बिताने को इस बार, और इसीलिए आप अगर उनको लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आप उनको डेफिनेटली वो आपको दे सकते हैं। इनके अलावा आपके पास और एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन आ जाते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, फॉर्म में है डेफिनेटली, पेस ऑफ रबाडा नोकिया ये कैसे सर्वाइव करते हैं उस पे, ये कैसे रन्स बनाते हैं उस पे मैटर करेगा कि ये आपको कितने पॉइंट्स दे सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे वेंकटेश अय्यर एज एन ऑलराउंडर दिखे जा रहे हैं मुझे, ऑलराउंडर ऑप्शंस, बॉलिंग का ज्यादा पता नहीं क्योंकि अभी इनकी स्पिन इतनी चल जा रही है कि मेकअप हो जा रहे हैं ओवर्स डेफिनेटली, लेकिन बल्लेबाजी के साथ ये आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स दे सकते हैं। दो जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की थी अब वो ग्राफ नीचे आ गया है, बट क्योंकि देखिए अब रसल का हमें पता नहीं है, लास्ट गेम में हमने सोचा था शायद फिट हो जाएंगे खेलेंगे लेकिन नहीं खेला, सुनील नारायण ने सिंगल हैंडेडली वो गेम खत्म कर दिया था, लेकिन अगर इस मैच में फिर से वो नहीं खेल रहे हैं और एक एडिशनल ऑलराउंडर लेने का आपके पास चांस है तो डेफिनेटली आप जाइए इनके साथ वेंकटेश अय्यर को। अक्षर पटेल फीचर हो रहे हैं यहाँ पे ऑलराउंडर्स के लिस्ट में, देखना पड़ेगा अगर आपको एक तीसरा ऑलराउंडर चाहिए तो आप अक्षर पटेल के साथ जा सकते हैं। हमें पता है कि सेफ फील्डर हैं, कैच वगैरह आपको तो वो देते हैं डेफिनेटली फील्डिंग के पॉइंट्स, लेकिन कितनी इनको गेंदबाजी में ये कितना प्रभावित करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। राइट हैंडर बैट्समैन हाँ है डेफिनेटली कोलकाता के टॉप ऑर्डर में, लेकिन अगर ये मैचअप क्रिकेट खेलते हुए नीतीश राणा या और कोई आ गए इनके सामने तो फिर पता नहीं मुझे, तो शायद थोड़े से हाई रिस्क ऑप्शन मुझे अभी लग रहे हैं। और बल्लेबाजी हमने देखा है कि दोनों बार प्रमोट तो हुए थे लेकिन रन्स नहीं मिले आपको, तो वो आपको कंसिडर करना है। सुनील नारायण को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, बीन अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ सुनील नारायण, मुझे लगता है कि उनकी अबिलिटीज, उनके जो एक हाव भाव, उनका जो एक एटीट्यूड रहता है ना वो बहुत अंडर प्ले कर जाता है, सेलिब्रेट ज्यादा करते नहीं है, एक्सप्रेशन कुछ देते नहीं है, आपको लगता है कि हाँ शायद ये इतने यू नो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन इनका थोड़ा बहुत भी दिन होता है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। मैंने फिर से कहा है कि बहुत आपको एक्यूरेट गेंदबाजी करते हैं, लास्ट गेम में बल्लेबाजी भी अच्छी की, 170 पॉइंट्स दिए, कैप्टन ऑफ द ड्रीम टीम रहे, होपफुली आप इनको रखें और ये आपको पॉइंट्स देते रहें डेफिनेटली। ये आपके ऑलराउंडर ऑप्शंस हो गए। बॉलर्स के पहले जो आपके सेफेस्ट पिक्स उनके बारे में बात करते हैं, आवेश खान यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत लोगों को लगता होगा आवेश खान थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एमएस धोनी ने भी उनको उन्हीं से ही उनके इनिंग्स को मोमेंटम मिला था, जो बाउंड्री बॉल मिला था आवेश खान ने दिया था उनको, लेकिन मैं कहूंगा आप इनके साथ परसिस्ट कर सकते हैं। पहले मैं बॉलर्स के बारे में बात कर लेता हूं, फिर जो इनकी एबिलिटी है उसके बारे में मैं बात करूंगा। आवेश खान आपके पहले पेसर पिक हो गए, आपके पास लॉकी फर्गसन हो गए, आपको ये सिमिलर इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट गेंदबाजी करते हैं, दोनों काफी सीधे रखते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, इनके पास एनफ वेरिएशंस हैं, तो लॉकी फर्गसन मेरे लिए डेफिनेट पिक होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लॉकी फर्गसन के साथ जो दूसरे फॉरेन पेसर यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो हैं एंड्रिक नोकिया, कगिस और रबाडा यहाँ पे सेफ टीम में नजर नहीं आ रहे, अगर रबाडा और नोकिया के बीच में ऑप्शन है तो आप एंड्रिक नोकिया को एज अ सेफ पिक डेफिनेटली ले सकते हैं। और थर्ड बॉलर यहाँ पे क्योंकि वेरिएशंस थोड़े काम आएंगे, आपके पास टॉम करन है जो कि स्लोअर वंस कटर्स वो बड़ा अच्छा डालेंगे, क्रूशियल ओवर्स डालेंगे टॉम करन, हो सकता है वो आपको विकेट्स वहां पे दे पाए। ये आपकी जो आउट एंड आउट हो गई स्किल बेस्ड पिक्स। क्विकली मैं आपको बता दूंगा कि आपके डिफरेंशियल पिक्स कौन कौन हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट बल्लेबाजी में देख लेते हैं। देखिए मैं कहूंगा अगर ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं
तो पृथ्वी शॉ को मत भूलिए। पृथ्वी शॉ ने लास्ट गेम में बताया कि थोड़े से टच में नजर आ रहे हैं और काफी फॉर्म स्पेसिफिक प्लेयर हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो फर्स्ट स्पेल, इनके लिए भी वही है, अगर फर्स्ट स्पेल खेल लेते हैं स्पिनर्स का तो शायद पृथ्वी शॉ आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। हमें पता है पावर प्ले में शारजा में बल्लेबाजी करना सबसे आसान है, तो पृथ्वी शॉ को आप डेफिनेटली फीचर कर सकते हैं वहां पे उस बैटिंग इन टर्म्स ऑफ योर बैटिंग पिक। अगर मैं आपको बात करूं कि इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स आप किसको प्रिफर करेंगे, तो देखिए दो नाम है यहाँ पे जो मे बी ही विल गेट अ गेम अगर रसल खेलते हैं। टॉस के लिए वेट करें, जैसे ही टॉस हो जाएगा आपको 10 नए टीम कॉम्बिनेशंस ऐसे ही मिल जाते हैं। तो आप देखते हैं रसल आते हैं टीम में, अपनी टीम में आप उनको डेफिनेटली रख सकते हैं। स्मॉल लीग खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, इनको तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर ही सकते हैं। ये एक प्लेयर हो गया आपके पास। अगर ये नहीं खेलते हैं और आपको एक डिफरेंशियल ऑलराउंडर चाहिए तो फिर शाकिबुल हसन के साथ परसिस्ट करें। माना उनको ओवर्स कम मिले, पहला ओवर में भी उनको वो एक बाउंड्री पड़ गया था कोहली के हाथों, लेकिन ये हर बल्लेबाज उतना स्मार्ट नहीं होगा और ये हर बार वैसी गेंदबाजी नहीं करेंगे। ये आपको थोड़ी सी गेंद अगर रुक के आएगी तो शाकिबुल हसन आपके लिए डेफिनेटली अच्छे पिक बन सकते हैं। ये आपके डिफरेंशियल ऑलराउंडर पिक्स हो गए। और अगर मैं बॉलिंग पिक्स के बारे में बात करूं, जो आप सेफ टीम में मैंने आपको नहीं बताया है वो डेफिनेटली ये हैं वरुण चक्रवर्ती, जस्ट फॉर द सेम रीजन क्योंकि ये भी मिस्ट्री स्पिनर हैं, ये भी लेफ्ट हैंडर्स को गेंदबाजी करेंगे और अबिलिटी है इनमें भी। ये आपको 2 से 3 विकेट लेके आपको ये पॉइंट्स दे दे, अगर ये आपको करते हैं तो फिर आपके बॉलिंग पॉइंट जो है वो कवर हो जाएंगे। देन यू जस्ट हैव टू होप कि आपके बैट्समैन रन्स करें और ऑलराउंडर्स आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दे और आपकी एक अच्छी पोजिशन हो जाएगी इफ यू आर प्लेइंग दिस गेम डेफिनेटली। वरुण चक्रवर्ती के अलावा अगर आपको एक और कोई बोलर चाहिए जो कि स्पिनर, मेरे ख्याल से आप अगर आपको एक लेना है तो ऑब्वियसली आपके पास रविचंद्रन अश्विन का ऑप्शन है, क्योंकि दिल्ली हो सकता है अगेन विल गो इन विद अ लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अश्विन का रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा है और एज अ मैचअप पिक ये बाय डिफॉल्ट अच्छी गेंदबाजी करेंगे होपफुली। तो अगर आप अश्विन को रखेंगे तो ही माइट हैव अ गुड डे और आपको ग्रैंड लीग में वो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। ये हो गए आपके सारे स्किल बेस्ड डिफरेंशियल पिक्स। स्ट्रेट अवे मूव कर जाते हैं आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन हो सकते हैं। देखिए ये मैच काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वालिफायर 2 है, जो टीम जीतेगी उसको और एक चांस मिलेगा टू यू नो बी इन द टूर्नामेंट एंड फाइट फॉर दैट बिग स्लॉट। यहाँ पे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस हैं, आवेश खान आपके पास ऑप्शन है, वेंकटेश अय्यर है, लॉकी फेगेसन, शिखर धवन, एंड्रिक नोकिया, ये सारे मैं कहूंगा डेफिनेटली आपके पास सेफ पिक है। अगर आप थोड़े से रिस्की इन टर्म्स ऑफ कैप्टन वाइस कैप्टन देखना चाहते हैं तो शायद आप पृथ्वी शॉ को कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर ऑप्शन है वरुण चक्रवर्ती का, ये दो प्लेयर आप ऑल्टरनेट करके अपनी ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये हो गई इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो एनालिसिस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे वेबसाइट और जो प्ले स्टोर पे ऐप है, प्ले स्टोर का ऐप है ना, बहुत ईजी है, डाउनलोड करोगे ईजी है, वहां पे मिल जाता है। जैसे ही अपडेटेड टीम्स एंड कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं आपको नोटिफाई किया जाता है, तो आप वो जरूर डाउनलोड कर ले। YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, वी विल गेट टू अदर गेम्स एज वेल, जो दुनिया भर की क्रिकेट खेली जा रही है, वुमेन्स बिग बैश आ रहा है, उसका भी जो फर्स्ट मैच है उसकी भी एनालिसिस YouTube चैनल पे है जरूर, तो आपको फैंटेसी गली पे सारी क्रिकेट की एनालिसिस मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि आपको और क्या क्या सजेशंस पसंद है फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। आपसे बात होती रहेगी। फ्रॉम बाबाशीश एंड द एंटायर फैंटेसी गली टीम, इट्स अ गुड बाय।